टीएमसी के नेता ये दावा ठोक कर कहते थे एक बार ममता बनर्जी शपथ ले लें पश्चिम बंगाल में सब कुछ ठीक हो जाएगा, हिंसा रुक जाएगी। क्या हिंसा रुकी? फिर उसके बाद जिस तरीके से केसेस हो रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता है जो जितना आपने पश्चिम बंगाल की सियासत को समझा है, ये बदलापुर की स्थिति है? एक पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत इस तरीके के मुकदमे किए जा रहे हैं। चुनाव के पहले इस बदलापुर की पटकथा को लिख दी गई थी। एक रिपोर्टर की नाते अगर मैं बोलूं और जो वहां पर मैंने अनुभव किया और बड़े लंबे समय तक मैं वहां रहा, चुनाव के बहुत पहले जो राजनीतिक विरोधियों के दमन की जो एक प्रक्रिया वहां पर शुरू हुई वो लगातार जारी है। चुनाव के दरमियान थोड़ा वो कम इसलिए हुआ कि वो केंद्रीय बल के लोग तैनात थे और बहुत कुछ केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के हाथ में था और वहाँ लोग कुछ बहुत ज़्यादा कर नहीं पा रहे थे, लेकिन जहाँ वो करना चाहते थे वहाँ कर ही लेते थे। खासतौर पर गाँव और दूर दराज के इलाकों में तो हिंसा कभी थमी ही नहीं। और चुनाव के बाद कैसी हिंसा होगी, किन किन गांवों को उजाड़ देना है, कितने लोगों को भगा देना है, किन किन लोगों की हत्या कर देनी है, मुझे ऐसा लगता है जो मैंने वहां अनुभव किया 3 महीने रह करके, लगा कि बिल्कुल पहले से तैयार है। इसमें कहीं कोई अब कोई ना कुछ जोड़ा जा रहा है ना कुछ घटाया जा रहा है, क्योंकि वो राजनीतिक प्रतिशोध का एक इतिहास वहाँ पर आएगा। CPM के ज़माने से अगर देखें तो CPM की जब सरकार थी, वामपंथी लोग वहाँ थे, तब भी वहाँ पर इस तरह की घटनाएँ होती थी। पश्चिम बंगाल के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन अगर ममता बनर्जी की अगर हम बात करें तो अब कुछ बहुत ही ज्यादा है जो शर्मनाक भी है और खतरनाक भी है इस देश के जनतंत्र के लिए और देश की व्यवस्था के लिए, क्योंकि वहां जो दिखाई दे रहा है कि ममता बनर्जी कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। जिस संविधान की वो खुद कई बार दुहाई देती है उसी संविधान और उसी कानून व्यवस्था को वो नहीं मानती है और वहां हिंसा लगातार बढ़ती चली जा रही है और टारगेट करके लोगों को मारा जा रहा है और गांवों को उजाड़ दिया जा रहा है। दर्जनों गांव उजाड़ दिए गए, सैकड़ों लोगों के घर जला दिए गए हैं, लगातार महिलाओं के साथ बलात्कार। मेरा निजी अनुभव है कि बारनिया एक जगह है नादिया जिले में जहां मेरे सामने आकर के लोगों को धमकाया गया और कहा गया कि ये संवादिक क्या कर लेगा। बंगला में पत्रकार को संवादिक कहते हैं, कहा ये संवादिक क्या कर लेगा, कहा कि चुनाव एक बार हो जाने दो उसके बाद देखो कि तुम्हारे साथ में क्या हम लोग करते हैं। और दूर खड़ी महिलाएं कह रही थी, बंगला में बोल रही थी, जिसका अर्थ था कि तुम्हारे साथ बलात्कार होगा। तो इस तरह की चीजों को तो हम लोगों ने ग्राउंड पर अनुभव करके देखा है, वहां कान से सुना है, आंख से देखा है, लोगों के मुंह से बातें सुनी है। ये तैयारी पहले से थी, जो कुछ अभी हो रहा है मुझे तो आश्चर्य है कि अभी कम हो रहा है, अभी आगे और भी होगा। बंगाल में कौन कौन बोला, कौन से थाना के अंदर पड़ता है, कौन से गांव है, सरकार है, जांच करा लीजिए। मैं पत्रकार हूं, मैं आपका मुखबिर नहीं हूं। हम बोले 24 घंटे के अंदर उसका अरेस्ट मैं कर रहा हूं, मैं पत्रकार हूं, आपकी सरकार है, आप जांच करा लीजिए। मैं टीएमसी का कोई प्रवक्ता नहीं हूं, मैं ना कि सरकार का मुखबिर हूं। आप बारनिया गांव का नाम बता रहा हूं, घोषपाड़ा, नादिया डिस्ट्रिक्ट, तिहट्टो ब्लॉक, जाकर के चेक कराइए। चलिए हम आपको लेकर जाएंगे, अगर 24 घंटे के अंदर वो व्यक्ति को अरेस्ट नहीं हुआ, अगर आप झूठ बोले तो नहीं नहीं, जगह का नाम सुनिए संजय सरकार, सुनिए संजय सरकार, जगह का नाम आपको विकास ने बताया और आप नाम पूछ रहे हैं ना, और देख लेने की धमकी की बात सुनिए। एनके सिंह सर भी हमारे साथ हैं, उनको भी अच्छे तरीके से याद होगा। एक मिनट सुनिए संजय सरकार सुनिए पहले। चुनाव के पहले जय श्री राम के जब नारे लग रहे थे अलग अलग जगहों पर, तो आपकी सबसे बड़ी नेता ममता बनर्जी ने ही कहा था केंद्रीय वाहिनियों को चले जाने दीजिए, आपको यहीं पर रहना है, देख लिया जाएगा। ये धमकी दी थी कि नहीं ममता बनर्जी ने? श्री राम के तौर पे कुछ बोला नहीं, धमकी दी थी कि नहीं दी थी? धमकी दी थी कि नहीं दी थी? धमकी दी थी कि नहीं दी थी? देख लेने की धमकी दी थी कि नहीं ममता बनर्जी ने? यदि कहीं ऐसे धमकी, तो आप क्लिप दिखाइए, क्लिप हजारों बार चैनलों पर चला है।